डोसे का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बड़े आलू उबाल लिए हैं, एक प्याज को छोटा बारीक काट लिया है, धनिया पत्ता बारीक काट लिया है, हरी मिर्ची ले ली है और टमाटर बारीक काट लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और नमक। यहाँ पर मैंने लिया है कुछ कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, काली सरसों, लहसुन और यह है खड़ा धनिया और यह है इमली का पल्प। इमली को हमने थोड़ा सा पानी में भिगो दिया था। अब मैं लहसुन को कोट लूँगी, करीबन 6 से 8 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं और मैं इनको अच्छे से कोट लूँगी कुछ इस प्रकार। फिर मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं तेल लूँगी, रिफाइंड ऑयल, उसमें मैंने कड़ी पत्ता डाला है, काली सरसों और सूखी लाल मिर्च का मैंने यहाँ पर तड़का लगाया है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। याद रखिए प्याज को हमें बहुत अच्छे से लाल करना है। आप इसमें थोड़ा सा खड़ा धनिया डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ और जो लहसुन मैंने कूट के रखा था वो हम टमाटर के बाद डालेंगे, जैसे कि सब्जी में या फिर जो भी आप बनाते हैं उसमें लहसुन का टेस्ट अच्छा सा आता है। नहीं तो लहसुन तेल के साथ डालने से लहसुन जल जाता है और कोई टेस्ट नहीं रह जाता उतना ज़्यादा अच्छा। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल देती हूँ, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। अब अपन इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये मसाले जो हैं आलू के साथ भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप एट अ टाइम आलू उबालें और गरम गरम आलू में ये मसाला बनाएं, रख के फ्रिज में रख के ठंडे आलू से ना बनाएं। अब मैंने इसमें डाला है इमली का पल्प, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर ज़रूर डालें इमली का पल्प। थोड़ा और पानी डाला है मैंने इसमें, तो जब मेरा ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसमें आलू मैश करके डाल दूंगी। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ मैश करके। आप इसे थोड़ी देर अच्छे से पकने दें जिससे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर आप दोबारा मिला सकते हैं। यह है धनिया पत्ता, ये डालना ना भूलें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे बहुत टेस्ट एनहेंस हो जाता है।
तो तैयार हो गया हमारा डोसे के लिए आलू मसाला। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।